नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। आज सिंगाड़ा फ्राई बनाएंगे। जब आपका स्नैक्स में कुछ खाने का मन हो तब आप इसे फटाफट बना सकते हैं। ये खाने में जितना टेस्टी है उतना ही बनाने में आसान है। चलिए अब हम बनाते हैं सिंगाड़ा फ्राई। सिंगाड़ा फ्राई बनाने के लिए 1 किलो पका हुआ सिंगाड़ा लिया है, इसको हमने बॉईल कर लिया है। 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, 1 चम्मच देसी घी लिया है, 1 हरी मिर्च ली है, इसको हमने बारीक काट लिया है, कुछ हरे धनिया की पत्ती ली है, इसको हमने बारीक काट लिया। चलिए अब हम बनाते हैं सिंगाड़ा फ्राई। ये हमने पके हुए सिंगाड़े लिए हैं, इसको 3-4 पानी में अच्छे से धो लिया था, फिर हमने प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगाई हैं। चलिए अब इनको हम छीलते हैं। हम सिंगाड़े के ऊपर का ये छिलका इस तरह से निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारे सिंगाड़ों को छील लेंगे। सिंगाड़ों को हमने छील लिया है, अब इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, इसमें देसी घी डालेंगे, घी हमारा मेल्ट हो जाए। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें अब जीरा डालेंगे, जीरे को भूनेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च को भी भूनेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, धनिया डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इनको मिलाएंगे और भूनेंगे। अब इसमें सिंगाड़ों को डाल देंगे हम और नमक डालेंगे। अब इनको मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे मिक्स हो गए। अब इसमें हम लिड लगाकर 1 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे मसाले सिंगाड़े में एब्जॉर्ब हो जाएं और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, मसाले सिंगाड़े में एब्जॉर्ब हो गए। अब इसमें हम अमचूर पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। हमारे सिंगाड़ा फ्राई बनकर तैयार है, अब इसको हम सर्व करेंगे। सिंगाड़ा फ्राई बनकर तैयार है, इसे आप स्नैक्स में हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हरे धनिया की चटनी की रेसिपी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।